पंजाब में कितने घराने बसते हैं? यकम अगस्त से लाहौर समेत सूबे भर में मर्दमशुमारी करवाई जाएगी। लाहौर डिवीजन में मर्दमशुमारी डिवीजनल कमेटी के चेयरमैन कमिश्नर होंगे। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, पंजाब भर में मर्दमशुमारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। यकम अगस्त 2022 से लाहौर समेत सुबह भर में मर्दमशुमारी करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं और मर्दमशुमारी का अमल जो है वो एक माह तक जारी रहेगा। जिले इंतजामिया को बाकायदा तौर पर जो है अहकाम दे दिए गए हैं कि तमाम तरह इंतजाम किए जाएं। जब मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू होगा, यकम अगस्त से ये मर्दमशुमारी शुरू कर दी जाएगी और सुबह पंजाब में 5 साल बाद ये मर्दमशुमारी होने जा रही है। 2017 के बाद जो है लाहौर समेत सुबह भर में मर्दमशुमारी करवाई जा रही है। 2017 में मर्दमशुमारी के मुताबिक शहर लाहौर की आबादी 1,12,00,000 थी और इस वक्त मर्दमशुमारी के लिए सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी और डिवीजन मर्दमशुमारी कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर डिवीजन में मर्दमशुमारी डिवीजन कमेटी के चेयरमैन कमिश्नर होंगे, जबकि कमेटी के मेंबरान में कर्नल पाकिस्तान आर्मी होंगे, जबकि डिवीजन पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, लोकल बॉडीज का मुंतखब नुमाइंदा और पंजाब स्टेट ब्यूरो का नुमाइंदा भी शामिल होगा। इस वाले से मैं बताता चलूँ कि पंजाब भर में जो मर्दमशुमारी है वो 1 अगस्त से शुरू होगी, चूंकि बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां होंगी और इस हवाले से ये एक अच्छा मौका फराहम किया गया है जिसमें आइंदा 2 माह बाद जो है ये मर्दमशुमारी होगी और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये मर्दमशुमारी जारी रहेगी और शहर लाहौर में दोबारा से जो है सेंटर्स बनाए जाएंगे मर्दमशुमारी के हवाले से और बाकायदा तौर पर जिले इंतजामिया इसको कोऑर्डिनेशन करेगी और फोकल पर्सन जो है कमिश्नर लाहौर डिवीजन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो है चुना गया है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर इन तमाम इंतजाम के जिम्मेदार होंगे और ब्लॉक्स बनाए जाएंगे बाकायदा तौर पर तमाम शहर के तमाम जो इस वक्त NA PPs वाइज और हल्का वाइज और जो घराने होंगे उसको बाकायदा तौर पर उसका नंबर लगाया जाएगा। जो मैं 2017 में बताता चलूं कि इसमें 2017 में लाहौर में जो है जो मकानात की तरतीब थी वो यूं थी कि 15,00,000 जो है मकानात थे और 1,12,00,000 की आबादी जो है वो मर्दमशुमारी में शुमार की गई थी और अब जो है 5 साल बाद दोबारा मर्दमशुमारी होने जा रही है। 1 अगस्त 2022 से लाहौर में सुबह भर में मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और ये जो प्रोसेस है ये 30 दिन 1 माह रहेगा और 1 माह में मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस वाले से डिवीजन कमेटी बना दी गई है जिसके सरबराह कमिश्नर लाहौर डिवीजन होंगे और उनके फोकल पर्सन जो है वो डिप्टी कमिश्नर होंगे और जिले इंतजामिया इस तमाम तर जो है इसका प्रोसेस करवाएगी। लाहौर शहर में तकरीबन 30 से 35 जो है सेंटर्स बनाए जाएंगे मर्दमशुमारी के लिए जिसमें अलग अलग से जो है चुनाव किया जाएगा और वहाँ पे टीमें जो है वो मुंतखब की जाएंगी। तकरीबन 10 लोगों के ऊपर एक सेंटर में टीम होगी जो हर घर घर जाएगी और एक फॉर्म देगी, फॉर्म के ऊपर जो है वो जो घर का सरबराह होगा वो साइन करेंगे और अपने बच्चों की तादाद बताएंगे और वोटर लिस्टें जो है वो भी बताएंगे और 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद भी बताई जाएगी और 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा। इवन की शनाख्ती कार्ड की कापियां भी फराहम की जाएंगी और इस वाले से मर्दमशुमारी जो है वो 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है जिसके लिए आज पहले ये भी बताइएगा क्या ये मर्दमशुमारी सिर्फ लाहौर में ही होगी या फिर किसी और जगह भी होगी? सुबह भर में ये मर्दमशुमारी होने जा रही है क्योंकि मर्दमशुमारी का तरीकाकार यही है कि पूरे सूबे के जो है वो मर्दमशुमारी के मुताबिक जो सेंसिस है उसके मुताबिक आबादी का तनासुब देखा जाए और घरों की तादाद बताई जाए। जो कि 2017 में पहले मर्दमशुमारी हुई तो सुबह भर के पंजाब में भी ये मर्दमशुमारी हुई थी और अब लाहौर शहर में जो है मर्दमशुमारी की जा रही है और सुबह भर में भी इसके साथ ही मर्दमशुमारी होगी और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो इंतजाम है ये आज पहली मीटिंग जो है वो अभी होने जा रही है और उसमें बकायदा तौर पर इंतजाम को खत्मी शक्ल देने के लिए जो है वो नुमाइंदों की शिरकत होगी जिसमें जो कमेटी के मेंबरान में पाकिस्तान आर्मी डिविजनल पुलिस के ऑफिसर आ रहे हैं जिसमें इमरान ये भी बताइएगा कि मर्दमशुमारी करने वाले जो अफसरान हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मर्दमशुमारी करने के लिए जो है वो स्कूलों को बकायदा तौर पर पिन पॉइंट किया जाएगा कि सरकारी स्कूल जो हैं जिसमें सेंटर्स बनाए जाएंगे और मर्दमशुमारी के लिए 10 लोग जो हैं वो हायर किए जाएंगे जिसमें जिले इंतजामिया है, पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है स्पेशली और उसमें लोकल बॉडीज के नुमाइंदे होंगे और पंजाब जो स्टेट ब्यूरो के नुमाइंदा होगा और इसमें बाकायदा तौर पर ये देखा जाएगा कि इन नुमाइंदों में सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगेंगी जिसमें इस की जो
है वो ड्यूटीज लगाई जाएंगी। असाज़ा जो है वो लोकल नुमाइंदों के साथ घर घर जाएंगे और वहां पर जाकर जो घरों में डाटा लेंगे और फॉर्म जो है वो फिल करवाए जाएंगे और एक एक फॉर्म पर जो है वो घर का जो सरबराह होगा उससे उसका शनाख्ती कार्ड और उसके बाकायदा तौर पर जो बच्चों की तादाद है वो पूछी जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे और 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी जो है वो डाटा लिया जाएगा, जिसके बाद एक बाकायदा इसका एक प्रोसेस है, एक माह जो है लगेगा और एक माह में बाकायदा ये तमाम तर जो जो फॉर्म है वो फिल करवाए। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।